धर्मशाला में 9 जनवरी से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में हमीरपुर विधानसभा की समस्याओं को प्रमुख रूप से रखा जाएगा। हमीरपुर से रवाना होने से पहले विधानसभा विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर की अस्पताल की समस्या से लेकर सड़कों की हालत को दुरुस्त बनाने के लिए विधानसभा में चर्चा की जाएगी। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि पुराने बस अड्डे की जगह नए बस अड्डा बनाने के साथ साथ पार्किंग बनाने के लिए भी विधानसभा में बात रखी जाएगी। विधायक ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान लोगों की समस्याओं को मद्देनजर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि छोटे से सत्र में कोशिश की जाएगी कि हमीरपुर की समस्याओं को हल करवाया जा सके। सरकार बनने के बाद विंटर सेशन पहली बार धर्मशाला में कल से शुरू होने जा रहा है। हमीरपुर का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हमारा ये प्रयास रहेगा जो यहाँ की बुनियादी समस्याएं हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हमें पिछले 5 साल में हमीरपुर में हमें जो फेस करना पड़ा वो है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एक्सपर्ट्स डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है और आउटडोर पेशेंट बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स जिनकी कमी है सबसे पहले उनको पूरा किया जाएगा, स्टाफ पूरा हो, मरीजों का ख्याल रखा जाए, हॉस्पिटल की साफ सफाई हो और ख़ासकर मरीजों की कोई कंप्लेंट जो है वो हॉस्पिटल की तरफ से नहीं आनी चाहिए। दूसरे, पिछले 5 साल से सिर्फ जो नेशनल हाईवेज है उनके अलावा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में या पूरे हमीरपुर जिला में सड़कों की बुरी हालत है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि सड़कें ठीक ढंग से उनकी मरम्मत हो, उनके खड्डे भरे जाएं, इवन पक्के रोडों पे भी कार चलाना जो मुश्किल है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि सड़कों की हालत सुधरनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।